Good morning, students. Myself, Rahul sir. Today I am going to discuss a problem of mole concept. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ऊपर में प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, देखिए मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके क्या लिखा है. An alloy has Fe, that is iron, cobalt and molybdenum equal to 71%, 12% and 17% respectively. How many cobalt atoms are there in a cylinder of radius 2.50 cm and a length of 10 cm? The density of alloy is 8.20 gram per ml. Atomic weight of cobalt is 58.9. तो हमारा प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमारे पास एक एलॉय है जिसमें आयरन, कोबाल्ट और मोलिबिडिनम है, जिसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज प्रॉब्लम में दे रखे कि किसका किसका क्या परसेंटेज है. और इन सब एलॉय इसमें से जो हमारे पास जो एलॉयज हैं उनको हम लोग एक सिलेंडर में रखे हैं, और सिलेंडर की जो रेडियस दे रखी है वो 2.5 सेंटीमीटर है. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिलेंडर की जो रेडियस दे रखी है वो 2.5 सेंटीमीटर है और लेंथ जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है. आप इसके हेल्प से सिलेंडर की वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं. सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच. तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आसानी से निकल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा, रेडियस हमारे पास दे रखा है, हाइट हमारे पास दे रखा है, तो वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम का टर्म हम लोग कैलकुलेट कर लिए. अब वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मास निकल जाएगा. टोटल सिलेंडर के अंदर एलॉयज जो रखे गए हैं उसका टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास टोटल वेट आ गया ग्राम में, दैट इज 1610.7 ग्राम. ये टोटल वेट हो गया, यानी इस सिलेंडर में जो एलॉयज हमने रखे थे वो टोटल वेट इतने हैं. कितना है? 1610.7 ग्राम. अब देखिए सबके परसेंटेज दे रखे थे क्वेश्चन में, कौन कितना परसेंट के हिसाब से उस सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर रहा था. तो कोबाल्ट का जो वेट होगा, तो कोबाल्ट का जो परसेंटेज दे रखा है आप स्क्रीन पे ऊपर में देखिए 12% दे रखा था. तो इस जो टोटल अमाउंट है उसका मैंने 12% कैलकुलेट किया, तो इट विल बी 193.3. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते, देखिए जो टोटल वेट आया था उसको 12 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा वेट आ गया कोबाल्ट का. अब देखिए आपके प्रॉब्लम में ये निकालना था कि बताइए कोबाल्ट का कितना एटम उस सिलेंडर में प्रेजेंट है. तो देखिए अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, आप ऊपर में देखिए, मैं उसे भी टिक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं 58.9, उम्मीद करेंगे आपको दिखा होगा यहाँ पर 58.9, ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है. तो हम जानते हैं कि इतने, दैट इज 58.9 ग्राम कोबाल्ट में इतने एटम होंगे, कितने एवोगाड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 × 10²³ एटम्स. तो और हम लोगों के पास कितना कोबाल्ट प्रेजेंट है, हम लोगों के पास 193.3 ग्राम कोबाल्ट प्रेजेंट था. तो हमने इतने ग्राम कोबाल्ट में, दैट इज 193.3 ग्राम कोबाल्ट में हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर बन गया. तो आप ये प्रॉब्लम आसानी से समझ सकते हैं, और ये बहुत जनरली मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को आसानी से समझे होंगे. इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने का एक क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं इससे, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस प्रॉब्लम को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और ख़ुद से ये प्रैक्टिस भी करेंगे. थैंक यू.